तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। और दोस्तों आपको पता है कि मेरे जो लैपटॉप है उसमें एक दिक्कत आ रही थी, शायद इस वजह से आ रही थी कि मैंने विंडो 11 अपडेट की थी। तो आज हम एचपी सेंटर में जाने वाले हैं, एचपी की एक केयर सेंटर में, तो ये रुड़की में ही है और सिविल लाइन की तरफ है। और वहाँ जाऊँगा मैं और आपको सब कुछ दिखाऊँगा कैसे कैसे वो क्या करते हैं, और देखते हैं क्या सोल्यूशन निकालते हैं इस प्रॉब्लम का। या तो सॉफ्टवेयर इशू है वैसे तो कुछ, या तो सही कर पाएंगे या फिर नहीं करेंगे तो उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम में गारंटी में 1 साल की। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है वो एचपी केयर सर्विस और ये रुड़की के आदर्श नगर में लोकेटेड है। तो अभी अंदर जाएंगे यार हम और देखते हैं फिर कि क्या करते हैं, क्या प्रोसेस रहती है हमारे लैपटॉप के साथ। तो अभी अंदर जाऊंगा और आपको एकदम अच्छे से दिखाऊंगा। ये जो है वो रुड़की के आदर्श नगर में लोकेटेड है। अगर आप चाहते हो मैं पूरा एड्रेस दे दूँ तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो चलिए चलते हैं, देखते क्या होता है। तो दोस्तों अंदर से ऐसा है एचपी सर्विस सेंटर, देख सकते हैं आप। तो ये इनका पूरा ऑफिस है और क्या हुआ वो मैं आपको कहीं जाके बता दूंगा। तो दोस्तों अभी हम गए थे अंदर और क्या रहा अंदर वो मैं आपको घर जाके बताऊंगा। पर उन्होंने ये कहा है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ ठीक कराइए या फिर घर पे टेक्नीशियन आएगा। कैसे आएगा वो सब मैं आपको घर जाके बताऊंगा। तो दोस्तों केयर सेंटर का इंटरफेस तो आपने देख लिया होगा अंदर से कि कैसा दिखता है वो। तो अभी हम वहाँ पे गए थे और जैसे ही हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक मैनेजर बैठे थे उनके, तो उन्होंने एक असिस्टेंट भेजा जिसने हमारी जो प्रॉब्लम थी वो नोट की। उसने पूछा क्या प्रॉब्लम थी, तो मैंने अपना बता दिया जो भी प्रॉब्लम थी। फिर बाद में उन्होंने कहा देखो अगर आप यहाँ से अगर ये सही करवाते हो अपना लैपटॉप तो लगभग आपको 4 से 5 दिन लगेंगे। अगर आप अभी आज सैटरडे है जैसे, तो अगर आप सैटरडे को दे के जाते हो तो आपको अगले हफ्ते तक ही मिलेगा। अगर आप मंडे को भी दोगे आके तो आपको मिनिमम से मिनिमम फ्राइडे या सैटरडे तक मिलेगा, क्योंकि कह रहे थे कि वहाँ पे टेक्नीशियन नहीं है, वो राउंड पे गया है, पता नहीं कौन से राउंड पे गया होगा। तो ऐसा था, तो उन्होंने दो ऑप्शन रखे थे हमारे सामने। तो फिर हम अपना लैपटॉप जो है वो वापस ही घर पे ले गया है। उन्होंने दो ऑप्शन में ये कहा था कि या तो आप शॉप से ठीक करवा लें यहाँ से, या फिर आप ऑनलाइन भी ठीक करवा सकते हो, और ऑनलाइन जो है वो टेक्नीशियन आपके घर ही आ जाएगा अगर आपका सही नहीं होता है, मतलब कि आपका जो रिमोट वर्क भी सही नहीं होता है। अगर वो इंस्ट्रक्शन जो देते हैं उसके बाद भी आपका लैपटॉप सही नहीं हो रहा है, तो फिर वो एक टेक्नीशियन भेजेंगे आपके घर पे। अगर आपको कुछ भी पार्ट्स की दिक्कत है मतलब लैपटॉप में, तो वो खुद डालेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आपका वारंटी में है। आपको बिल दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपके जो लैपटॉप के पीछे एक सीरियल नंबर लिखा रहेगा अगर आप वो जाके दिखाते हो, तो सब कुछ आपका खुल के आ जाता है कि बिल वगैरह वारंटी जितने भी वारंटी में होगा सब कुछ उनके पास डिटेल आ जाएगी। तो उस हिसाब से ये सीन रहता है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं कॉल करूँगा एचपी वालों को और तब देखते हैं कि किस तरीके से वो जो है उस रिजॉल्व करते हैं मेरा इशू है। तो चलिए देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो दोस्तों इस टाइम आप देख रहे होंगे कि मतलब ये एचपी का जो कस्टमर केयर है, मैंने इस पे कॉल मिलाई हुई है। और जो ये बंदे हैं मतलब जो भी टेक्नीशियन है, इन्होंने मतलब रिमोट वर्क लिया है। रिमोट वर्क का मतलब है कि जो मेरा पीसी है उसे खुद हैंडल कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर की मदद से, और जितनी भी प्रोसेस रहेगी वो ये खुद करेंगे। और बस आपके पास जो है इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। और इन्होंने कहा था कि जो है जो लैपटॉप है वो अपना चार्जिंग में लगा के रखना। तो अभी ये कुछ प्रोसेस कर रहे हैं मेरे लैपटॉप में। मैंने अपनी सारी दिक्कत इन्हें बता दी थी कि भाई कैसे कैसे क्या दिक्कत आ रही है। तो अभी कुछ ये ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं और इन्होंने मेरी कॉल म्यूट पे रखी है और मैंने भी रखी है। अभी कुछ बात होगी मतलब ज़रूरी इंपॉर्टेंट तो ये कॉल कर लेंगे, कॉल बैक कर लेंगे। ये पत्तों वत्तों पर ध्यान मत देना आप ज़्यादा। ये मैं अमरूद खा रहा था बैठ के, इस वजह से वो हो रखा है। तो अभी ये देख सकते हैं आप AMD रेडियन के जो सॉफ्टवेयर हैं ड्राइवर वो इंस्टॉल हो रहे हैं, और आगे जो रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है ये प्रोसेस को चलते हुए, आप देख ही रहोगे पीछे काफ़ी टाइम से प्रोसेस चल रही है। और वो भी मतलब कुछ कर रहे हैं इसमें, ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं, पुराने ड्राइवर जो है वो रिमूव मार के। और एक चीज़ बढ़िया ये है कि जो भी काम हो रहा है इस टाइम बैकग्राउंड में वो आपकी आंखों के सामने हो रहा है। जो भी कुछ करेगा वो तो आपको अपनी स्क्रीन पर शो होता रहेगा, जैसे इस टाइम मुझे हो रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप पे नेट वगैरह इतना मतलब ज़्यादा नहीं है आपके पास नेट इंटरनेट, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी इस टाइम ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा है ये इनके इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, मेरा कोई नेट नहीं लग रहा है इसमें।
और आप देख ही रहे होंगे काफ़ी कर चुके हैं ये काफ़ी सारे ड्राइवर इस टाइम अपने जो इंस्टॉल, और अभी काफ़ी कर भी रहे हैं, तो देखते हैं कितनी देर में होता है और जैसे भी रहेगा वो सब मैं आपको शो करता रहूँगा, बताता रहूँगा। और दोस्तों लगभग यहाँ पे 33 मिनट से कॉल जो है वो चल रही है और अभी भी ये मतलब कुछ इसमें कर रहे हैं प्रोसेस और देखते हैं कब तक ठीक होता है। काफ़ी लेंथी प्रोसेस है क्योंकि इशू भी कुछ ऐसा ही था, आपको बता दूँ आपने मतलब जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी है मेरी प्रीवियस, उन्हें बता दूँ कि ये दिक्कत आ रही है इसमें स्लो परफॉर्मेंस की, डिस्क 100% यूसेज दिखाते हैं वहाँ पे ये टास्क मैनेजर में जाके, और वही इशू अभी रिजॉल्व हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत है, आपके पास भी HP का लैपटॉप है, तो आप भी सेम ऐसी कर सकते हो जैसे मैंने किया। आप HP के जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे लिखा रहता है तो उस पर आप कॉल मिला सकते हो, और कॉल मिलाने के बाद अपना इशू जो है वो सॉल्व करवा सकते हो। आपको एक केस ID मिलेगी, यूनिक केस ID रहेगी वो आपकी, तो अगर आपका बाई चांस कॉल डिस्कनेक्ट भी हो जाता है बीच में तो आप फिर से कॉल करके उन्हें अपनी केस ID बता सकते हो और वो फिर से आपकी प्रोसेस जो है वो रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी आगे क्या चल रहा है। 1 hour later तो अभी लगभग 1 घंटा होने वाला है और 1 घंटे से मतलब ये चल ही रहा है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे हैं इसके, पता नहीं कब तक होगा। अभी तो मतलब 1 घंटा होने को आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन में, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको कोई बात नहीं, पर देखते हैं कब तक रहेगा ये, कब तक चलता है देखते हैं। तो अभी उनसे बात हो चुकी है और उन्होंने बोला है कि जो भी ये इशू आ रहा है आपका ये विंडो 11 की वजह से आ रहा है, क्योंकि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विंडो 11 तो दे दी पर जो सुटेबल ड्राइवर्स हैं वो अभी तक नहीं दिए इसके, और इसी की वजह से जो आपका हार्डवेयर है मतलब हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर इशू है ये अगर हो रहा है इसी चीज़ की वजह से, और इसी चीज़ की वजह से ही सिस्टम जो है वो स्लो हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप देखिए अभी हमने जो चीज़ें थी वो तो इसमें परफॉर्म की हैं और कल भी हम आपको कॉल करेंगे आपसे जानने के लिए कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इस 1 दिन में, आपका कोई सुधार आया है लैपटॉप में या नहीं। तो अभी मैं टेस्ट करके देख रहा हूँ कुछ चीज़ें कैसे चलेगा ये, मतलब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, और फिर कल जब उनसे बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि आपके पास अभी सिर्फ लास्ट में 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो फैक्ट्री रीसेट रहेगा या फिर एक और ऑप्शन बताया था उन्होंने, पर उन्होंने कहा है कि जब तक जो विंडो 10 के यूज़र्स हैं अगर वो विंडो 10 में ही रहें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि विंडो 11 काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहा है बाकियों के सिस्टम में भी। और विंडो 11 के जो भी अपडेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कहा है कि वो दिसंबर तक आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो अभी ये इशू रिजॉल्व होता है तो ठीक है, वरना देखते हैं आगे क्या होगा। तो आपने दोस्तों देख ही लिया कितना टाइम लग गया हमें, बहुत ज़्यादा लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग गया हमें इशू कर जो है रिजॉल्व करवाने में, जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। उन्होंने कुछ टास्क परफॉर्म किए मेरे लैपटॉप में और परफॉर्म करने के बाद उन्होंने कहा है कि अब हम आपको कल फिर से कॉल करेंगे, अभी आपके पास 1 दिन है, आप हमें बताइए कि आपका जो लैपटॉप है पहले से बेटर परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। तो अभी मैं टेस्ट करके देखा तो कुछ भी बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा पहले के जैसे ही है, जैसे पहले के पहले था। मेरा एक दोस्त है जिसके पास SSD है, उसने भी विंडो 11 में करा है मतलब अपडेट, उसके में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि जो SSD है उसकी वजह से उसे अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही हो और इतनी दिक्कत उसे नज़र ना आ रही हो SSD लगने के बाद, शायद हो सकती है दिक्कत हो पर SSD के बाद इतना नज़र ना आ रहा हो। और जितने मेरे दोस्त मेरे व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं इस टाइम वीडियो में, तो उन्हें यही कहूँगा कि अभी विंडो 11 में अपडेट मत करो जब तक ये एकदम स्टेबल वर्जन ना आ जाए। ये कह रहे थे कि स्टेबल वर्जन आ चुका है पर कोई स्टेबल वर्जन नहीं आया अभी तक। जो HP केयर सेंटर वाला जो टेक्नीशियन था उन्होंने कहा है कि विंडो जो 11 के जो ड्राइवर हैं एकदम सही से आ जाएंगे लगभग ये दिसंबर की स्टार्टिंग में, तो वेट करके देखते हैं क्या रहता है और कल जैसा भी होगा वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये था आज का सीन, और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे, अगर आप रुड़की के रहने वाले हो आपको पता नहीं HP सेंटर का है, अगर आपका गूगल मैप ना चल रहा हो फ़ोन में सही से, तो मैं बता दूंगा आपको HP सेंटर का है, ये आदर्श नगर के पास है, वहाँ पर किसी से पूछ लेना पास में ही है, आदर्श नगर की स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे ऑसम।